हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास आर्टो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटेड टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आपको ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्लास 8 के अंदर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इसके अलावा एक चैप्टर और है हमारा 8th क्लास के अंदर, वो है पोल्यूशन। ओके, और पोल्यूशन में हमारा जो 8th क्लास के अंदर दिया हुआ है वो है वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। ओके, उसके बारे में अपन एक ब्रीफ आइडिया लेंगे किस तरीके से वाटर पोल्यूशन और किस तरीके से अपन इसको बचा सकते हैं। ओके, और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स वगैरह के बारे में भी अपन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन क्लास 8 के बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। ओके, फटाफट से कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, और अगर आपको किसी तरह का कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अच्छा, हम लोगों ने 8th क्लास के अंदर जो है सेल वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ओके, उसमें अपन लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस करा था, है ना, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनएसओ वगैरह के बुद्ध क्वेश्चन के बारे में अपन लोगों ने देखा था, है ना। इसके बाद अपन ने क्रॉप प्रोडक्शन, इसके अलावा और जो है हमने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था, है ना। आज जिस चैप्टर के बारे में देख रहे हैं अपन वो है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन प्लांट्स एंड एनिमल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो कि सर हमें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, आपको क्या करना है, सिंपल टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद जो 8th क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है, t.me/tdv08 क्लास 8, ये उनका पाथ है बेटा। और इस पाथ पे जाने से आपको क्या होगा, आप अपनी पर्टिकुलर साइट पे चले जाओगे, अपने चैनल पे चले जाओगे, और यहाँ पे जो डीपीपी और वर्कशीट्स वगैरह हैं उन्हें आप अपनी प्रैक्टिस उनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। फटाफट से आगे चलेंगे। हो गया, ठीक है ना, क्लास 8 के बारे में। और क्लास 8 में हमारा लगभग पूरा सिलेबस हो चुका है मुझे जहां तक लगता है। ओके, एक ही चैप्टर बचा हुआ है हमारा एडोलेसेंस वाला, उसको अपन देख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो आज देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ओके, चले आगे। ओके ना, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्डिनल प्रॉमिस स्टार्टिंग से हम लोगों से करवाता आ रहा हूं और आज भी कर रहे हैं, फटाफट से करो। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट लगे सर यहां पे हमें ये चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे फटाफट से कमेंट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े, ये चीज समझ में आ गई होगी। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल एंड पोल्यूशन के बारे में अपन लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले जो चीज हमारे पास में आती है वो है सिल्वी कल्चर। क्या है सिल्वी कल्चर, क्या होता है, एक बार फटाफट से देखो। आप सिल्वी कल्चर के बारे में अगर अपन डिस्कस करना चाहें तो वो है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज। जो फॉरेस्ट ट्रीज वगैरह के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ओके, और जिस सब्जेक्ट जिस ब्रांच के अंदर इसकी जानकारी मिलती है उसे कहा जाता है सिल्वी कल्चर। ओके, इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्या है। अरे भाई एक बार बताओ, जितने भी एनवायरमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके लिए फॉरेस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम O2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो इनके बैलेंसिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कौन, हमारे फॉरेस्ट। ओके, दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंशन सोइल इरोजन। आप लोग जानते हो बहुत अच्छे तरीके से जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, सोइल को बाइंड करके रखते हैं, सोइल पार्टिकल्स को क्या करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं। उससे क्या होता है, सोइल एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ करके नहीं जाती। ओके, उसकी फर्टिलिटी बनी हुई रहती है। देखो फटाफट से फिर आगे चलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास में परंपरागत सोर्स वगैरह है
जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फॉरेस्ट। ओके फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे। हो गया ना फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। हो गया चलो ठीक है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। फॉरेस्ट आर अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ फॉलोइंग सिग्निफिकेंस कैसे। फॉरेस्ट आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। पूरा का पूरा जो बैलेंस बना करके रख रखे हैं या रखा हुआ है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है हमारे फॉरेस्ट वगैरह का है ना। फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू A large number of plants. अरे भाई जो हमें रहने के अगर हम प्लांट्स वगैरह की बात करते हैं तो प्लांट्स को हैबिटेट कौन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेस्ट वगैरह ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो प्लांट्स वगैरह का होना तो बिल्कुल जो मान लीजिए कि बिल्कुल असंभव वाली बात है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ सोइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं सोइल इरोजन जो सोइल पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। ओके डेड प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स are decomposed and form the humus which enrich the soil. Next, हम बात करें forests are also helpful in formation of fossil fuels. Okay, जो हमें starting से मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमें जो है वरदान में मिले हैं परंपरागत sources जिन्हें कहा जाता है fossil fuels. Okay, हो गया एंड फॉर अदर कंस्ट्रक्शन नीड। जो हमारे कंस्ट्रक्शन वगैरह की जो नीड होती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सिर्फ हमारे फायदे के हम प्लांट्स वगैरह क्या करते हैं काटना स्टार्ट कर देते हैं है ना। कटिंग ट्रीज टू बर्न वुड फॉर कुकिंग फूड वगैरह के लिए भी हम क्या कर रहे हैं जो है लकड़ी वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं प्लांट्स वगैरह को काट रहे हैं। कटिंग द लैंड टू प्लांट क्रॉप्स। भाई एक बार बताओ जो हमें क्रॉप्स वगैरह की अगर अपन बात करें क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या चाहिए एक बहुत बड़ा फील्ड चाहिए। ओके एक बहुत बड़ी लैंड की जरूरत रहेगी तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत रहेगी भाई एक बार बताओ उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा प्लांट्स वगैरह को काटना पड़ेगा तभी तो हम हमारे लिए जो है फूड वगैरह लगा पाएंगे। लेकिन अगर हंसे अगर लग जाएंगे तो क्या होगा हमारे बैलेंसिंग वाली अगर बात करते हैं CO2 और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें क्लियरिंग द लैंड फॉर माइनिंग एक्सप्लोरेशन। Clearing the land to building, build roads and new buildings. Okay, इनके लिए भी क्या हो रहा है? Deforestation हो रहा है. Okay, लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो रहा है तो कुछ ना कुछ problem वाली बात है. और कुछ नहीं. चले आइए जिस तरीके से आपको यहाँ पे मेरे नजर आ रहा होगा किस तरीके से deforestation हो रहा है बहुत बड़ी मतलब बहुत large scale के ऊपर के लेकर के अपन भाई कह सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है प्लांट्स वगैरह को क्या किया जा रहा है काटा जा रहा है। ओके देखो किस तरीके अगर हम बात करें क्रॉप प्रोडक्शन तो क्रॉप प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो भाई इस वाले एरिया में तो क्या हो रहा है क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इससे जो ऑक्सीजन मिल रही है हमें इससे भी ऑक्सीजन मिला करती थी ना तो ये इससे तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। ओके
जिस तरीके से यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा। चले आगे, कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है और हमारे फायदे के लिए भी है और कई कई जगह पे बिना फायदे की बात, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या कारण है डिफोरेस्टेशन के, अगर हम बात करें कि डैम वगैरह हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन करना है, सीधी सी बात है तो भी हमें किसकी जरूरत रहेगी, फील्ड वगैरह की जरूरत रहेगी, लेनी वगैरह की जरूरत रहेगी। अगर हमें पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं एक बिल्कुल तरीके से मान लीजिए एक वेल प्लान्ड अगर सोसाइटी बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। ओके, जो चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही है फटाफट से देखो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल फार्मलैंड्स, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन को अपने इनको क्या करना है, एक वेल प्लान्ड मैनर के अंदर क्या करना है, अरे भाई अरेंज करके रहना, उनको भी रहने की जगह चाहिए ना, तो क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़े स्केल पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्लांट डिफोरेस्टेशन करना पड़ेगा। ओके, कमर्शियल लॉगिंग की बात करते हैं, मींस हार्वेस्ट ऑफ टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट विद द इंटेंट टू सेल द प्रोडक्ट। हो गया, कोई प्रॉब्लम? चले आएंगे, चलो ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन, देखो अभी तक हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा कि फॉरेस्ट की जो जानकारी हमें मिलेगी वो किसके अंदर मिलेगी, सिल्वीकल्चर के अंदर मिलेगी, है ना। सिल्वीकल्चर के अंदर हमें पूरे फॉरेस्ट वगैरह के बारे में जानकारी, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से फॉरेस्ट को समर्पित ब्रांच है ना। लेकिन अगर ज्यादा डिफोरेस्टेशन होगा तो क्या फर्क होगा भाई, सीधी बात है, जैसा कि हम लोगों ने फायदे देखे तो वो फायदे होना बंद हो जाए और वही नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। जो पहले नंबर पे आपको नजर आ रहा है इफेक्ट्स ऑन सोइल, क्या होगा, सोइल इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है फर्टिलिटी ऑफ सोइल वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ, आप देखना जो जंगल के अंदर शेर वगैरह रह रहे हैं, जो वाइल्ड एनिमल वगैरह की अपन बात करते हैं, उनके लिए जो हैबिटेट है वो क्या है, एकमात्र क्या है, फॉरेस्ट। भाई हम अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग्स कहीं पर भी जाकर के इजी वे में रह सकता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके लिए बिल्कुल कन्वीनियंट वाला मामला होता है। लेकिन अगर अपन बात करें वाइल्ड एनिमल्स के लिए तो उनके लिए इतने आसान बात नहीं है। ओके, उनके लिए एक ही हैबिटेट है, वो है फॉरेस्ट। ओके, अगर हम उन्हीं को काट देंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, उनका धीरे 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 मरना तो तय है। ओके, और हमें बाद में क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो यही है ना कि हम क्या करें, फॉरेस्ट वगैरह ना काटें। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट हम बात करें इफेक्ट्स ऑन रिसाइकलिंग ऑन ऑफ मटेरियल। एक बार बताओ, जो ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की अपन बात करते हैं, जो हमें हमें वरदान में मिली, कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें आज के टाइम पे क्या हो रही, धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है ना। तो अगर क्या होगा, धीरे धीरे अगर हम सारे के सारे प्लांट्स वगैरह को काट देंगे, ट्रीज वगैरह को काट देंगे, फॉरेस्ट वगैरह धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो हमें क्या होगा, वो जो ट्रेडिशनल सोर्सेज है वो एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओके, और अगर उनको बचाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा, अरे भाई डिफोरेस्टेशन कम करना पड़ेगा। ओके, पॉपुलेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें लगाम लगानी पड़ेगी और कुछ नहीं। फटाफट से देखो, रूट्स ऑफ ट्री हेल्प इन बाइंडिंग द सोइल पार्टिकल्स टूगेदर। सोइल पार्टिकल को क्या करके रखती है, बाइंड करके रखती है। वेन दिस प्रोटेक्टिव कवर ऑफ वेजिटेटिव इज डिस्ट्रॉयड, सोइल इज लेफ्ट लॉस्ट एंड हैज मोर सोइल इज लॉस्ट ड्यू टू इरोजन बाय विंड एंड मूविंग ऑफ वॉटर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सोइल की जो अपर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, हवा के सहारे, या तो एक तो या तो उसकी हेल्प कौन करेगी, या तो हवा या रिवर, ठीक है ना। रिवर के थ्रू भी क्या होगा, सोइल पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, जब जाएंगे तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ टॉप सोइल लेयर, कहने का मतलब जो ऊपर वाली लेयर है वो धीरे धीरे क्या होगी,
बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, विच इज रिच इन ह्यूमंस एंड न्यूट्रिएंट्स, रिजल्ट रिडक्शन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोइल। वही चीज हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि फर्टिलिटी कम हो जाएगी। ओके, इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ की अगर मैं बात करता हूं, अरे भाई जब प्लांट के टच में नहीं है तो सीधी सी बात है फर्टिलिटी तो खत्म होनी है ना। इफेक्ट्स ऑन वाइल्ड लाइफ की अगर अपन बात करते हैं, फॉरेस्ट विच आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ प्लांट, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वो बर्ड हो, बहुत सारे जानवरों के लिए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए, बहुत सारे बर्ड्स वगैरह के लिए जो हैबिटेट है, जो नेचुरल हैबिटेट है वो क्या है, फॉरेस्ट है। एकमात्र एक चीज है वो है फॉरेस्ट। इफेक्ट्स ऑन रिसाइकलिंग मटेरियल की अगर अपन बात करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वो क्या, CO2 और O2, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों को बैलेंस करने का जो बहुत, अगर बैलेंस नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा भाई साहब, एक बार बताओ, हमारे लिए ही प्रॉब्लम वाली बात होगी, ठीक है ना। अगर एनवायरनमेंट में CO2 इंक्रीज हो रही है और O2 कम हो रही है तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम वाली बात है, क्या होगा, हम भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ डेंजर वाली कंडीशन में आने वाले हैं। ओके, वही चीज होने वाली। इफेक्ट्स ऑन डिफोरेस्टेशन फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे। चले आगे। ओके, क्लाइमेटिक चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, अरे भाई जब इतने चेंजेस हो रहे हैं तो क्या होगा, क्लाइमेटिक चेंजेस भी होंगे। ओके, जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है, अगर मैं इस टाइम की बात करूं तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक टाइम था जब 50 के पहले पहले ही गर्मी फ्री हो जाती थी। ओके, लेकिन आज की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कोटा का टेम्परेचर है तो कोटा के अंदर क्या हो रहा है, 50 तो हम मान के चलते हैं कि 50 तो होना तय है। ओके, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। ओके, हम एक और बात कहें, अगर भाई साहब एक बार बताओ, जिस तरीके से गर्मी हुई है तो उसी तरीके से क्या होगा, बारिश भी होगी। और इस बार अगर हम देखें तो बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, जिसकी वजह से क्या होता, क्रॉप प्रोडक्शन जितना भी हुआ था वो सारा का सारा फेल हो गया, और उसका जो इनडायरेक्टली जो इफेक्ट देखने को मिला वो क्या था, फार्मर्स वगैरह के ऊपर देखने को मिला, क्या हुआ, पूरी की पूरी उनकी जो क्रॉप प्रोडक्शन इन्होंने जितना करा था, पूरी की पूरी क्रॉप खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं, ठीक है, पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, जैसा कि हम लोगों ने हमारे आसपास देखा था। ओके, और जिस तरीके से अपन बात करें कि जिस तरीके से गर्मी है, जिस तरीके से सर्दी है, तो आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। ओके, बैलेंस करना तो जरूरी है ना, जो धीरे धीरे क्या होगा, सर्दी भी ज्यादा होगी, और अगर हम कहें तो इसका इनडायरेक्टली इफेक्ट पे देखने को मिल रहा है, हमारे ऊपर ही देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। ओके, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, और डी, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं वो क्या होगा, अरे भाई एक बार बताओ, अगर हम फॉरेस्ट वगैरह सब कुछ काट देंगे तो प्लांट्स वगैरह रहेंगे नहीं तो क्या रहेगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, रेगिस्तान हो जाएगा। रेगिस्तान में क्या है, पूरी तरह मिट्टी मिट्टी है। ओके, रहती रहती सोइल सोइल पार्टिकल्स और कुछ नहीं। फटाफट से देखो फिर आगे चलते हैं। हो गया, अरे भाई क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह है, डेजर्टिफिकेशन है, ये चीज हम लोगों ने देख ली है। ओके, आगे चलते हैं फटाफट से। देखो अब हम बात करते हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। अब एक बार बताओ,
हम लोगों ने देखा कि फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है, ओके, डेजर्टिफिकेशन होगा तो किस तरीके से हो रहा है, और डेजर्टिफिकेशन किस तरीके से इनडायरेक्टली हमारे ऊपर जो है इफेक्ट डाल रहा है, ओके, अब इनको बचाने के लिए, प्लांट्स वगैरह को बचाने के लिए कुछ ना कुछ क्या हुए थे, आंदोलन वगैरह हुए थे, मूवमेंट्स वगैरह हुए थे, और उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट था वो था चिपको मूवमेंट, ओके, और राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर जो जोधपुर है, जोधपुर के अंदर एक चिपको आंदोलन देखने को मिला था, चिपको मूवमेंट देखने को मिला था, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या है, फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन रूरल इंडिया, दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर हिली एंड माउंटेन एरियाज, द नेम ऑफ मूवमेंट कम फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिपको, कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स वगैरह को क्या करके रखना है, चिपकने हुए रखना, उनको हग करके रखना, ओके, तो उसी से एक वर्ड आया है ये चिपको मूवमेंट, ओके, विच मीन्स टू हग एज द विलेजर्स हग द ट्रीज प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग बाय कॉन्ट्रेक्टर, ताकि उनको काटा ना जा सके, ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें था एक मूवमेंट, वो किसके किसके सानिध्य में होता, किसने लॉन्च किया था, वो था अमृता देवी ने, ओके, अमृता देवी ने, और उस विलेज का नाम था खेजरी, जो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, और इसमें 63 इतने लोग मर गए थे, शहीद हो गए थे, ओके, उन्होंने क्या करा, सैक्रिफाइस करा था अपना। नेक्स्ट अगर हम बात करें चिपको मूवमेंट और कहां देखने को मिला था, अरे भाई एक सुंदर लाल जो बहुगुना थे इनके सानिध्य में भी हुआ था, और ये कहां हुआ था, अलकनंदा में हुआ था, ओके, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था जो किसके लिए किया गया था, प्लांट्स वगैरह को बचाने के लिए किया गया था, ओके, वही चीज यहां पर देखने को मिल रही है, चिपको मूवमेंट हो गया। हो गया होगा मुझे लग रहा है यहां तक है ना, चले आगे, चलो ठीक है आगे देखते हैं, वो है बायोडायवर्सिटी। अब आप लोग को एक बात तो पता होगी कि डिफरेंट डिफरेंट डायवर्सिटी देखने को मिल रही है, ओके, अरे भाई डायवर्सिटी है तभी तो इवोल्यूशन है, ओके, अगर हम एनिमल्स वगैरह की बात करें तो कितने टाइप के हमारे पास में एनिमल्स वगैरह हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, है ना, गाय है, बकरी है, बहुत सारे है ना, और अगर ये स्पीसीज वगैरह के अंदर देखने को मिले, अलग अलग तरीके से देखने को मिले, तो वही चीज क्या हो जाएगी, बायोडायवर्सिटी हो जाएगी, जो जहां पे लिखा हुआ है बायोडायवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस मींस लाइफ एंड डायवर्सिटी का मीनिंग होता है फ्रॉम, ओके, जो किससे मिलकर के बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल देयर इकोलॉजिकल हैबिट्स एंड हैबिटेट इन विच दे अकर इज नोन एज बायोडायवर्सिटी। अरे भाई बायोडायवर्सिटी सीधी सी बात है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमें डायवर्सिटी देखने को मिल रही है, दैट मीन्स बायोडायवर्सिटी, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ओके, फटाफट से देखते हैं। नेक्स्ट, बायोडायवर्सिटी इज वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडायवर्सिटी इज टिपिकली अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट द जेनेटिक स्पीसीज और इको सिस्टम लेवल। टेरेस्ट्रियल की अपन बात करते हैं, वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलती है, अरे भाई बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम बात करें बायोडायवर्सिटी के टाइप्स की, तो तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, ओके, पहले नंबर पे हम बात करते हैं जेनेटिक डायवर्सिटी, नेक्स्ट है हमारे पास में स्पीसीज डायवर्सिटी, एंड लास्ट इज इको सिस्टम डायवर्सिटी, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायवर्सिटी के टाइप्स होते हैं, ओके, हो गया क्या, चले आगे, बायोडायवर्सिटी बहुत छोटी छोटी टर्म्स है जिन्हें हमें देखते हुए चलना है, फटाफट देखना है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। अब एक बार बताओ, अब अभी तक हम लोगों ने प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को समझा, अब हमें क्या करना है, इनको बचाना है, ओके, कंजर्व करना है, क्योंकि काटते जाएंगे, काटते चले जाएंगे, एक दिन क्या होना है, नुकसान हमें ही होना है,
तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ कदम उठाए और उन कदमों में जो अपन बात करते हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, अगर अपन राजस्थान की बात करें जो केवला देव है, ठीक है ना, इसके अलावा रणथंभौर वगैरह की अपन बात करते हैं, तो ये बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जिनके अंदर आप किसी भी तरह का कोई शिकार वगैरह नहीं कर सकते, ओके, या किसी तरह का कोई प्लांट वगैरह नहीं काट सकते, वही चीज यहाँ पे। हाँ, ये हो सकता है कि अगर जैसे प्लांट्स वगैरह की अगर जैसे सूख जाए और नीचे गिर जाए तो वो आप उठा सकते हो, उडको उठा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां जाकर के आप किसी लकड़ी को काट रहे हो, ओके। और वही चीजें यहाँ पे देखने को अपन देखेंगे। अभी प्रोटेक्शन की अगर अपन बात करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ एयर वॉटर एंड लैंड। हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड वेन एवर नीडेड। अरे भाई, बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पे, ओके। हंटिंग ऑफ यंग एनिमल्स थ्रेटेंड स्पीशीज इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज एंड ब्रीडिंग सीजन शुड बी रेस्ट्रिक्ट। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कि भाई वहां जाकर के हंटिंग वगैरह करने के अच्छा हो गई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ओके। अगर ऐसा हुआ तो शायद आपके खिलाफ ही कुछ ना कुछ कदम उठा लिए जाए, ओके, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटेक्शन, ओके। प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पे दोनों टाइप के प्रोटेक्शन देखने को मिलेंगे, चाहे वो एनिमल्स के अंदर हो चाहे वो प्लांट्स के अंदर हो, दोनों का प्रोटेक्शन जरूरी है, ओके, यही चीज है। फटाफट देखो फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो ठीक है। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की अगर अपन बात करते हैं तो हमने इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक इंसिटु एंड एक है एक्सिटु, ओके। दोनों के अंदर क्या है, कंजर्वेशन है, और कंजर्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। इंसिटु कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की अपन बात करते हैं, दिस स्ट्रेटेजी डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज थ्रू देयर मेंटेनेंस विद देयर नेचुरल हैबिटेट। दिस इंक्लूड एन extensive system of protected areas such as national parks, sanctuaries, biospheres, reserve and forest reserve। यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई पेड़ नहीं काट सकते, किसी तरह की कोई हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते, ओके, जिसकी वजह से ये फॉरेस्ट आज भी बने हुए हैं। अगर इन चीजों को नहीं बनाया जाता, अरे भाई इन चीजों को नहीं बनाया जाता तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते, ओके, जो हमें वैरायटी वाले प्लांट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो कहाँ देखने को मिलते। तो ये चीजें क्या, ये कदम उठाए गए गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट के द्वारा जब ये कदम उठाए गए तो आज हम जो देख रहे हैं वो नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, ओके, रिजर्व वगैरह हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा रणथंभौर की अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, टाइगर वगैरह को देखने के लिए भी जाते हैं, ओके। नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क कौन कौन से है, कान्हा है, कार्बेट है, गिर है, बांदीपुर है, रणथंभौर है, ओके, और जहां पे आप लोगों को इजीली टाइगर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और उनका क्या मोटो है, किसको कंजर्व करना है, तो टाइगर है, चीतल है, सांबर है, ओके, टाइगर है, लॉयन है, पैंथर है, एलिफेंट है, इन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी हो चुका था, ओके, ये संकट के घेरे में आ चुके थे, इस वजह से गवर्नमेंट ने ऐसे कदम उठाए ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके, ओके। ये है नेशनल पार्क्स, कौन कौन से फटाफट से देखो। सॉरी, हो गया, गिर के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात के अंदर है, लॉयन वगैरह वहां पे देखने को मिल जाते हैं, बब्बर शेर जिसे कहा जाता है, ओके, जो बब्बर शेर होते हैं, है ना। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सेंचुरीज वगैरह, ओके, सेंचुरीज का भी यही मोटो था कि ताकि क्या हो सके, अरे भाई जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। जैसे कि अनामलाई की अगर अपन बात करते हैं, तमिलनाडु के अंदर है, एलिफेंट, पैंथर, टाइगर, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करना था, कंजर्व करना जरूरी हो गया था। केवला देव राजस्थान के अंदर है, ओके, राजस्थान में है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा साइबेरियन क्रेन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना,
इसी के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम बात करें मधुमलाई, तमिलनाडु के अंदर है। एलिफेंट वगैरह, चीतल वगैरह, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरी हो गया था। पेरियार सेंचुरीज वगैरह की अपन बात करते हैं, केरला के अंदर है। एलिफेंट वगैरह है, बियर वगैरह है, इनको प्रोटेक्शन देना जरूरी था, इस वजह से इन सेंचुरीज को बनाया गया। ओके, नेशनल पार्क्स हम लोगों ने देख लिए, सेंचुरीज वगैरह हमने देख लिए, इनका क्या मोटो था, क्या उद्देश्य रहा था, क्या एम था कि भाई किसको प्रोवाइड करना है, ओके, और ये कहां प्रेजेंट है, वो चीजें भी आपके सामने लिखी हुई है। चले आगे, बायोस्फीयर रिजर्व की अगर अपन बात करते हैं, देखो नेशनल पार्क देख ले, ओके, उसके बाद में हमने सेंचुरीज वगैरह देखी, बायोस्फीयर रिजर्व जैसा कि आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर अपन बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम प्रमोटिंग सॉल्यूशन टू रिकॉन्सिल द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद द सस्टेनेबल यूज, ओके, दे आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नॉमिनेटेड बाय नेशनल गवर्नमेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया हुआ है। भैया यहाँ पे इन एरिया पे आप जाकर के किसी तरह का कोई हंटर नहीं कर सकते, ओके, कोई किसी तरह का पेड़ वगैरह आप या प्लांट वगैरह या ट्री वगैरह नहीं काट सकते, ओके। द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, टोटल इंडिया की अगर अपन बात करें तो टोटल कितने हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ओके, विकिपीडिया के हिसाब से। आगे देखते हैं एक्सीटू, अभी तक हम लोगों ने इंसीटू देखा, इंसीटू के बाद में हम लोग देख रहे हैं एक्सीटू, ओके, एक्सीटू की अगर अपन बात करें, दिस इंक्लूड्स जू, बोटेनिकल गार्डन वगैरह जो हमारे आसपास बना करके हम लोग रखते हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने, सी बैंक्स वगैरह है, जीन बैंक्स वगैरह है, ओके, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जीन बैंक्स है, टिश्यू कल्चर है, बोटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह है, और इनका उद्देश्य भी, शौर्य गुप्ता हेलो, इनका उद्देश्य भी सीधी सी बात है, इनका जो मोटो रहा वो भी यही रहा कि भाई किसी भी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स को क्या मिले, प्रोटेक्शन मिले, ओके, नहीं तो क्या हो रहा था, धीरे 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 जो इंसान है, मतलब ह्यूमन बींग्स की अगर अपन बात करें तो ह्यूमन बींग्स अपने मतलब के लिए क्या करते चले जा रहे थे, इनका हंटर करते चले जा रहे थे, ओके। जीन बैंक की अगर अपन बात करते हैं, प्लांट्स वगैरह है, एनिमल्स वगैरह है, इनके लिए भी होता है। टिश्यू कल्चर की अपन बात कर सकते हैं, बॉटेनिकल गार्डन्स वगैरह अपन देख सकते हैं, ओके, जहां पे बहुत वैरायटी के क्या हो सकते हैं, प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह होते हैं, ओके, जो पब्लिकली एग्जीबिशंस भी लगी हुई होती है, जू वगैरह में अपन लोग जाते भी होंगे, देखा भी होगा आप लोगों ने, ओके, ये किसके अंदर आते हैं, एक्सीटू के अंदर आते हैं। इनसीटू के अंदर हम लोगों ने नेशनल पार्क सेंचुरीज वगैरह देखे थे, ओके, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा 8th क्लास के अंदर वो है पॉल्यूशन, ओके, ये है हमारा, अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ओके, किस तरीके से हम लोगों ने जो है, पहले तो हमने ये देखा कि प्लांट्स हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है ना, और किस तरीके से वो जो है CO2 और O2 दो मैन इंपॉर्टेंट गैसेस होती है एनवायरमेंट के अंदर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। अरे भाई एक बार बताओ, अगर ऑक्सीजन वगैरह अगर कम हो जाएगी तो यूं मान के चलिए कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलेगा, सीधी सी बात है, ओके, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो सोच के देखो कैसा होगा उस टाइम पे, ओके, सिलेंडर वगैरह तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि भाई सिलेंडर लगा करके हम घूमना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उसके लिए जो ठोस कदम उठाए गए वो हमने किसमें पढ़े, इंसिटू और एक्सीटू के अंदर, ओके, ताकि वहां पे वाइल्ड एनिमल्स प्लस जो फॉरेस्ट वगैरह है उनका प्रोटेक्शन हो सके, सीधी सी बात है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है पॉल्यूशन, ओके, पॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है पॉल्यूशन, है ना। रेक्स हीरो, वाओ, यस सर, अरे भाई मुझे एक बार बताओ, पॉल्यूशन के बारे में अच्छे से जानते होंगे आप लोग, ओके, अगर पॉल्यूशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम वाली बात है, पॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वगैरह से जो धुआं वगैरह निकल रहा है वो भी कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट कर रहा है, या हम बात करें कार वगैरह से जो निकल के आ रहा है, अगर हम बात करें साइलेंसर वगैरह की तो उनसे भी धुआं वगैरह निकल रहा है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इफेक्ट्स वगैरह है, जिस तरीके से अपन बात करें पॉल्यूशन की तो वो हमें हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह कर रहा है, जैसे कि नई नई डिजीज वगैरह होना,
ये भी किसकी इनडायरेक्टली इफेक्ट तो इंसानों के ऊपर ही हो रहा है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, पॉल्यूशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिमिनेंट्स इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट, दिस कॉज एडवर्स चेंजेस। अरे भाई जो क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, है ना, सोइल इरोजन देखने को मिल रहा है, सुनामी वगैरह देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? अरे भाई पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या है, क्लाइमेट वगैरह चेंज हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज होंगे तो क्या होगा, मानसून पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ओके। और इसकी वजह से जो महंगाई है वो भी बढ़ रही है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, पॉल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और एनर्जी सच एज नॉइज, हीट और लाइट। पॉल्यूशन चाहे किसी भी टाइप का हो, वो कोई किसी भी टाइप का हो, चाहे वो हीट से हो रहा हो, चाहे वो नॉइज हो, अगर ज्यादा आवाज हो रही है तो भी वो एक तरीके से पॉल्यूशन ही है, ओके। अरे भाई जो चीज हमें परेशान कर रही है वो पॉल्यूशन हो गया, सीधी बात। नेक्स्ट हम बात करें पॉल्यूटेंट, द कंपाउंड्स ऑफ पॉल्यूशन कैन बी इधर फॉरेन सब्सटेंस एनर्जीज और नेचुरली अकरिंग कॉन्टिमिनेंट्स, ओके। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? शौर्य गुप्ता, रेक्स हीरो, कोई प्रॉब्लम है अभी तक? चलें आगे, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखने हैं, ओके। फटाफट से देखते चले जाओ, पॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से पॉल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है और बायोडिग्रेडेबल है, ओके। अरे भाई इनको तो क्या किया जा सकता है, वापस रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन इनको रिसाइकल वगैरह नहीं किया जा सकता, ओके। जैसे कि हम बात करें प्लास्टिक वगैरह की है, ओके, प्लास्टिक को 1000 साल के बाद में भी देखोगे एज इट इज ही मिलेगी, ओके। लेकिन अगर हम बात करें जैसे प्लांट्स वगैरह की, तो प्लांट्स को रिसाइकल किया जा सकता है, है ना। नेक्स्ट हम बात करें बायोडिग्रेडेबल की, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन आर सेवेज, पेपर प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, जूस वगैरह, इनसे जो निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है वही क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट्स होता है, ओके। नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर अपन बात करते हैं वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स आर द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस विच कैन नॉट डिकम्पोज इजिली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा आप लोगों को एक बात बता दो, ये हो गई वो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं किसमें, फर्टिलिटी को बनाए रखने में, ओके। और इसके अलावा नेचुरल जो साइकिल्स वगैरह होती है, जैसे कि हम बात करें कि नाइट्रोजन साइकिल वगैरह है, ओके, या हम बात करें फार्मर वगैरह के लिए जो सोइल को फर्टिलिटी बना के, सोइल की फर्टिलिटी बनाने में जो हेल्प कर रहा है, ओके, तो क्या होगा, अरे भाई कहीं ना कहीं तो ये हेल्प कर ही रहे ना हमारी, ओके। वही चीजें यहां पे लिखी हुई है, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, ओके। चलें आगे, ओके। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से पहले आप कुछ चीजें यहां पे देखने को मिल रही होगी, जिस तरीके से यहां पे आप लोगों को नजर आ रही होगी एक इमेज, और बहुत सारी कारें हैं, कारों से निकलने वाला धुआं है, और उस धुएं से क्या हो रहा है, अरे भाई एयर पोल्यूशन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट हम बात करें इंडस्ट्री वगैरह की, इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि पोल्यूशन होता है, ओके, किस तरीके से धुआं बाहर निकल करके आता है, स्मोक वगैरह रहता है, ओके, और उसका इफेक्ट किसके ऊपर देखने को मिलेगा, हम इंसानों के ऊपर देखने को मिलेगा, ओके, करने वाले भी हम ही हैं, ओके, हम तो नहीं कह रहे ना, सीधी सी बात है, साइकिल चलाना स्टार्ट कर दो, लेकिन ऐसा भी मुमकिन नहीं है, मैं जान सकता हूं, ओके, वो चीज हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। चलें आगे, चलो फटाफट ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की अगर अपन बात करते हैं, जिस तरीके से आपको यहां पे इमेज नजर आ रही होगी, एक बार बताओ जो रेडियो एक्टिव रेज वगैरह है वो क्या हो जाती है, अरे भाई सीधी सी बात है, वापस एनवायरनमेंट की तरफ चली जाती है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, ओके, और ये बहुत घातक बात है हम लोगों के लिए। फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम द प्लांट्स एटमोस्फियर वार्म्स द प्लेनेट सरफेस टू द टेम्परेचर अबव व्हाट इट वुड बी विदाउट दिस एटमोस्फियर
ओके अरे भाई सीधी सी बात है, जो एटमॉस्फेयर का जो एनवायरमेंट, जो अगर हम बात करें एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके वही चीज है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में। आप लोगों को यहाँ पे दो इमेज वगैरह दिखाई जा रही है किस तरीके से वापस रिवर्ट हो रही है रेज वगैरह। ओके और CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमोस्फियर ट्रेप हीट एंड कीपिंग द अर्थ वार्म। चले आगे, वाटर पोल्यूशन नेक्स्ट है हमारे पास में, वाटर पोल्यूशन। अच्छा वाटर पोल्यूशन की अगर अपन बात करें, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ओके, या फिर हम बात करें जिस तरीके से अगर अपन बात करें कि जो इंडस्ट्री वगैरह से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो भी क्या है, अरे भाई हम लोग क्या कर रहे हैं वाटर वगैरह के अंदर डाल दिया करते हैं, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है वाटर पोल्यूशन हो रहा है। वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही होगी आपको, एनी अनडिजायरेबल contamination of water is called water pollution. Okay, the substance that pollute water is called water pollution. Okay, causes of water pollution, फटाफट से देखो क्या क्या है। Discharge of untreated industrial and domestic sewage waste into water bodies is one of the main cause of water pollution. या फिर हम बात करें जिस तरीके से अगर वाटर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा शिप वगैरह भी चलती हैं ओके, उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ओके, अरे भाई कुछ ना कुछ तो निकल ही रहा होगा ओके शिप वगैरह से भी, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ओके ऑयल लीक्स बोट्स एंड शिप्स वगैरह जो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया ओके, फर्टिलिटी के अपन जितना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं वो फर्टिलाइजर क्या हो रहा है, अरे भाई बारिश हो रही है, बारिश की वजह से क्या हो रहा है हमारे नदियों वगैरह के अंदर ही मिल रहा है, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना। चले आगे, चलो ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास में। अब क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं फटाफट फटाफट, बहुत प्यारे क्वेश्चन देखो फटाफट। पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है, अरे भाई जो भी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस है उनका वाटर के अंदर मिल जाना सीधी सी बात है वो क्या है वाटर पॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ रेन वाटर गेट पॉल्यूट। अरे यार किस तरीके से फर्टिलाइजेशन जैसा भी हम लोगों ने देखा है, फटाफट से जवाब दो क्या होता है। Mixing of impurities in water is called water pollution. जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बता दिया ओके। रेनफॉल अब बात करें तो वो क्या है, अरे भाई हम लोग क्या कर रहे हैं फर्टिलाइजर वगैरह यूज कर रहे हैं, वो फर्टिलाइजर क्या हो रहा है रेन की वजह से, जैसे बारिश होगी तो बारिश के साथ साथ में क्या होगा वाटर के अंदर भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करें, वाई पॉल्यूटेड वाटर इज हार्मफुल टू ड्रिंक। क्यों हार्मफुल है अगर हम बिल्कुल अगर गंदा पानी पिएंगे तो, अरे भाई बहुत सारी डिजीज वगैरह हमारी बॉडी में हो सकती है ओके ना, बहुत सारी डिजीज हमारी बॉडी में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है, व्हाई फूड शुड नॉट बी मेड यूजिंग पॉल्यूटेड वाटर। अगर गंदे पानी के अंदर फूड बनाएंगे तो गंदी ही चीज अंदर जाएगी ठीक है, और गंदी ही चीज अंदर जा रही है तो पॉल्यूशन और डिजीज होना तो संभव है, बिल्कुल पक्की बात है कि कोई ना कोई बीमारी हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, व्हाट आर द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इन सिटीज। रिवर है, पॉन्ड्स वगैरह है ओके। नेक्स्ट हम बात करें, हाउ कैन वाटर पोल्यूशन बी प्रिवेंटेड। किस तरीके से आप वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं, बाय प्रिवेंटिंग थ्रोइंग द वेस्ट गार्बेज एंड हैविंग ऑफ डैमेज ड्रेनेज टू रिवर एंड पॉन्ड्स वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड। अरे भाई जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह है उनको क्या करो वाटर के अंदर मिलने मत दो। हम ये कोशिश तो कर सकते हैं ना, मैं मानता हूं कि कुछ हद तक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ हम एक कोशिश तो कर सकते हैं और इस तरीके से क्या होगा वाटर पोल्यूशन को बचाया जा सकता है ओके। वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत नेसेसरी है भाई साहब। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द नेम ऑफ सम डिजीज ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर। अरे यार डायरिया है, कोलेरा है ओके, जॉइंटिस वगैरह है, गंदा पानी पी लोगे तो क्या होगा आप लोगों ने देखा होगा वोमिटिंग वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है ओके, और हम ये कह सकते हैं जॉइंटिस वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है ओके। नेक्स्ट हम बात करें, हाउ डज पॉल्यूटेड वाटर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस। सही बात है, इकोलॉजिकल बैलेंस तो रहेगा ही सही, प्रॉब्लम आएगी आएगी।
चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, स्पीसीज फाउंड ओनली इन पर्टिकुलर एरिया नॉन एज एंडेमिक स्पीसीज। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा था बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ओके। नेक्स्ट हम बात करें माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फोर अवे प्लेस बिकॉज क्लाइमेटिक चेंजेस। अरे भाई, किसी भी तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस वगैरह होंगे तो बर्ड्स वगैरह क्या होंगे, एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करना स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस एनवायरमेंट में वो नहीं रह पा रहे हैं, इसी वजह से क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज एंडेमिक टू पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा वाला है? जस्ट हम लोगों ने ये सारे के सारे रिजर्व देखे थे, फटाफट से बताओ। बंगाल टाइगर, एलिफेंट, अरे यार फ्लाइंग स्क्वायरल, ओके फ्लाइंग स्क्वायरल। नेक्स्ट अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज एंडेमिक टू पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। प्लांट्स की अगर अपन बात करें, अभी तक हम लोगों ने यहां पे किसकी बात करी थी, एनिमल्स की बात करी थी, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, ओके। जैक फ्रूट है, वाइल्ड गुआवा है, वाइल्ड मैंगो है, एंड महुआ है। बताओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, वाइल्ड मैंगो, ओके आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कान्हा नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। कौन सी स्टेट के अंदर है, फटाफट से बताओ कान्हा। अरे यार, जस्ट हम लोगों ने अभी देखे थे ना नेशनल पार्क्स, एमपी के अंदर प्रेजेंट है, ओके मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट हम बात करें, गिर नेशनल पार्क फॉरेस्ट, सॉरी गिर नेशनल फॉरेस्ट इज इन विच स्टेट। गिर गुजरात, ओके गुजरात के अंदर स्टेट है, गुजरात के अंदर स्थित है, ओके। चले आगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कितने हैं टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, फटाफट से बताओ। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर अपन बात करते हैं तो टोटल कितने हैं, ओनली वन। कितने हैं, कितने हैं, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफोरेस्टेशन। अरे यार, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया था फॉरेस्टेशन के बारे में बताया और डिफोरेस्टेशन के बारे में भी बताया था, ओके। क्या होता है डिफोरेस्टेशन, फटाफट से बताओ। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, क्लियर करते चले जाओ और कुछ नहीं, ओके। फॉरेस्ट वगैरह है उनको काटते जाओ, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, ओके यही है सीधी सी बात। बायोडाइवर्सिटी की अपन बात करते हैं, वेराइटी मिलना, ओके डिफरेंस मिलना, डाइवर्सिटी मिलना, इवोल्यूशन, और कुछ नहीं। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लोरा। फ्लोरा 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 अ पर्टिकुलर एरिया कलेक्टिव टर्म एज फ्लोरा। किसमें, प्लांट्स के संदर्भ में बात की जाएगी, ओके प्लांट्स के रिलेशन में अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो क्या है, फ्लोरा है, ओके। और अगर हम फोना की बात करें तो एनिमल के रिलेशन में बात की जाएगी, ओके वो फोना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज अ स्पीसीज, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड स्पीसीज, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अभी तक हम लोग इकोसिस्टम को बैलेंस करते हुए आ रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इकोसिस्टम है क्या। तो यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है हमारा अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज अमंग ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग भी आएंगे और नॉन लिविंग भी आएंगे इन एन एरिया कॉल्ड इकोसिस्टम, ओके। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, हो गया ना, चले आगे। चलो ठीक है, ये आज हम लोगों ने दो चैप्टर को देखा, ओके। दो चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोगों ने पॉल्यूशन देखा, पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन क्या है,
एंड 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 वाटर पोल्यूशन क्या है। इसके अलावा हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल देखा, किस तरीके से गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है अपनी अपने आप को आगे रखा, किस तरीके से नेशनल पार्क्स वगैरह सेंचुरीज वगैरह बनाई, ओके, और बनाने के बाद में पार्क्स वगैरह को जो है बचाया गया, फॉरेस्ट वगैरह को बचाया गया ताकि एक हैबिटेट मिल सके किनको, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, सीधी सी बात है ना। देखो अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और एक चीज मैंने आप लोगों को जैसा बताया वो ये कि 8th क्लास में लगभग हमारे सभी के सभी चैप्टर्स हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है मुझे मालूम है एडोलेसेंस वाला, ओके। और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है अभी तक जो पढ़ाया गया है उसमें या किसी भी तरह की कोई वर्कशीट में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एडोलेसेंस वाला चैप्टर लेंगे, ठीक है। और लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज ये कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।